परम सम्मान योग गुरु रूप साह संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज अमृत वेले दा पावन मुखवाक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 599 और 600 दे उपर सोरठ राग विच तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी दा पहले घर विच बख्शिश कीता है। शब्द दी आरंभता हुंदी है सोरठ महला तीजा घर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्दै साध आया गुर कृपा ते निर्मल हुआ जिन विचों आप गवाया आन दिन गुण गावें नित साचे गुर कै शब्द सुहाया। मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी रहाओ। इस विच रहाओ दियां तुकां विच हजूर कृपा करदे ने हे मेरे मालक प्रभु असी जीव तेरी शरण विच आए हाँ असी जीव तेरे बच्चे हाँ ते एक साढ़े ते कृपा कर सिर्फ एक तू ही सदा कायम रहन वाला सच्चा है एक तू ही सदा अटल रहन वाला है साड़ी तेरे गैरजोईए सानू अपने चरणों में जोड़। हुण इस विच पहला बचन असी तेरे बच्चे हाँ ते याद रखिया जे साध संगत माँ बाप का बच्चा जिन्नी वार मर्जी भुला कर लवे पुत कपुत बन जाता है लेकिन मापे कुमापे नहीं बनते। असी इस बजुर्गों तो सुनते आए हाँ भाव पुत्र अपने फर्जा तो फिर सकता है पुत्र अपने माता पिता के एहसाना भुल सकता है लेकिन माँ बाप अपने बच्चे दियां कीतियां गलतियां फिर भी दिल ते नहीं लेंदे वो कभी कुमापे नहीं हुंदे। बाणी ने इस चीज़ का खुलासा किया है जिवें एक बच्चा भावें किन्नियां भी गलतियां करे ते उहदी माँ हमेशा अपने पुत्र दियां गलतियां ते पड़दे पाएगी ते लोकां दे सामने हमेशा उहदी वड़िया के गल करेगी तां कि मेरे पुत्र दी शोभा ना घटे मेरे पुत्र दा रुतबा ना घटे। महाराज कहिंदे ने कबीर साहब दा वचन हे वाहिगुरु जिवें एक बच्चा अनेकां पाप करदा है भुल्लां करदा है लेकिन माँ उहदियां भुल्लां ना चितार के वड़िया के लोकां अगे उहदी तारीफ करदी है असी भुल्लण हार हाँ पर तू सच्चा तां है तू साडियां भुल्लां नहीं चितारदा फिर अपने चरणों की थां दे के नवाजना है। उन्हां दा वचन है सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न रख सतेते रा मैया हों बारिक तेरा काहे न खंडस अवगुण मेरा तेरा बच्चा वा क्यों नहीं तू मेरिया भुल्लां दा नाश करेगा भुल्लां नू खंड करेगा रहाओ। जे अत क्रोप करे करताया बच्चा बड़ा क्रोध करके माँ नू मारन भी आ जाए माँ ते हाथ भी चुके ते माँ दी ममता वेखो तां भी चेत ना रख समाया माँ फिर भी चित विच उहदा बुरा नहीं चितवदी। बस इसे तरह मेरे मालका तू माँ दयालु है तू पिता दयालु है असी बच्चे जिन्नी वार मर्जी भुलीए तेरा नाम ना जपिए सिमरन ना करिए तेरे विखाए रस्ते ते ना चलीए लख वरी अवगुण कमाईए पर तू सुचजी माँ है मेरे वाहिगुरु हर वार सानू बख्शना है। सतगुर रहाओ दियां तुकां चाहिए बचन कहे मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तू केवल आ मुरारी रहाओ। हजूर शब्द के पहले बंद च कहिंदे ने सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्द है साध आया हे प्रभु जिन्ना सेवकां नू गुरु दे शब्द दा रस आउंदा है ओही फिर तेरी भगती तेरे नाम जपन वाली तेरे हुक्म नू मनन वाली सेवा करदे ने। गुर कृपा ते निर्मल होवा जिन विचों आप गवाया जिस मनुख ते गुरु दी पूर्ण कृपा हो जांदी है उहदे अंदर तों आपा भाव हंकार ईरखा ए मैल दूर हो जांदी है ओह पवित्र जीवन वाला हो जांदा है ते इवें दा मनुख फिर अणदिन गुण गावै नित साचे गुर कै शब्द सुहाया। ऐसा मनुख गुरु दे शब्द विच जुड़ के हर वेले अपने सच्चे प्रभु दे गुण गाउंदा आ ते गुण गांदियां गांदियां
गुण कहे गुणी समावणिया, उहदे गुण कहिंदा कहिंदा गुणा दे मालक विच समा जांदा है, सच्चा हो जांदा है। सतगुर कृपा करन साडा गाव्या सुनिया थाएं पवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।